कोरोना महामारी के दौरान लोगों को बीमारी से बचाने के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके लगाए गए थे। भारत में इसका वैक्सीन का उत्पादन आधार पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था, जिसे बाद में भारत समेत दुनिया भर के करोड़ों लोगों को लगाया गया। महामारी के करीब 4 साल बाद अब एस्ट्राजेनेका ने माना कि उसकी कोविड वैक्सीन लोगों में दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। एक कानूनी मामले में एस्ट्राजेनेका ने कबूल किया कि उसकी कोरोना वैक्सीन, जिसे दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्स जेवरिया ब्रांड के नाम से बेचा गया था, वो लोगों में खून के थक्के जमने समेत कई दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। यानी दूसरे शब्दों में कहे तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स गिराने का कारण बन सकती है। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1,000 करोड़ का हर्जाना मांगा है। ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेज में कंपनी ने माना कि उनकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम सकते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। कंपनी ने इसके साथ ही ये भी जोड़ा कि ऐसा बेहद दुर्लभ मामलों में ही होगा और आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल उस खबर पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।